पहले तो बिना पूछे किसी पे आ जाता है और फिर बिना पूछे टूट जाता है। विलन आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सुदीप की विक्रांत रोना के शुरुआती 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और बॉलीवुड की फिल्म एक विलन 2 के शुरुआती 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों फिल्मों में आपको अच्छी फिल्म कौन सी लगी। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म विक्रांत रोना के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को गुरुवार रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म का वीकेंड 4 दिनों का रहा और आज फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन है। बताना चाहूंगा दोस्तों 100 करोड़ के बजट में बनी विक्रांत रोना को 6 भाषाओं में रिलीज किया था। इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे कन्नड़ा एक्टर किच्चा सुदीप। बता दूं दोस्तों फिल्म ने पहले दिन सभी भाषाओं से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 19 करोड़ 60 लाख रुपए का किया था, वही दूसरे दिन 8 करोड़ 30 लाख रुपए, तो तीसरे दिन 11 करोड़ 40 लाख रुपए, वही चौथे दिन संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ग्रोथ आया और विक्रांत रोना का चौथे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़ का रहा। यानी कि फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 53 करोड़ 30 लाख रुपए का कर लिया। वही 5वें दिन ये फिल्म ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 70 लाख रुपए का कर रही है। यानी कि दोस्तों विक्रांत रोना का शुरुआती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 58 करोड़ का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 69 करोड़ 2 लाख रुपए, वही फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट से 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। यानी कि दोस्तों विक्रांत रोना का 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 73 करोड़ 52 लाख रुपए। हालांकि दोस्तों ये फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है, क्योंकि फिल्म का बजट जहां 100 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन मिनिमम 110 करोड़ का करना होगा। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की फिल्म एक विलन 2 के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में अच्छी खासी कमाई की, लेकिन दोस्तों चौथा दिन आते ही फिल्म के कलेक्शन औंधे मुंह गिर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन जहाँ इंडिया से नेट कलेक्शन 7 करोड़ 5 लाख रुपये का किया था, वही दूसरे दिन का कलेक्शन 7 करोड़ 47 लाख रुपये रहा। तीसरे दिन उम्मीद की जा रही थी कि संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा जंप पाएगा और फिल्म तीसरे दिन मिनिमम 12-13 करोड़ रुपए कमा जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम रहा और यहां पर एक विलन 2 ने अपने तीसरे दिन यानी कि संडे इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए की रेंज में किया। यानी कि फिर दोस्तों फिल्म ने संडे के दिन कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई। बात करें फिल्म के चौथे दिन यानी कि आज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को चौथे दिन जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो फर्स्ट डे के मुकाबले 50% में, तो दोस्तों इस हिसाब से एक विलन 2 अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। यानी कि 4 दिनों में एक विलन 2 का इंडिया नेट कलेक्शन 26 करोड़ 52 लाख रुपए का हो रहा है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 32 करोड़ रुपए, तो ओवरसीज से फिल्म का अभी तक 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। यानी कि दोस्तों शुरुआती 4 दिनों में एक विलन 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 37 करोड़ रुपए हो रहा है। बता दो दोस्तों फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 80 करोड़ का करना होगा, जो कि अब पूरी तरह से नामुमकिन सा लग रहा है।